विराट कोहली जैसे ओवर हैंडल से बैटिंग करते हैं, केएल राहुल जैसे राउंड टू से बैटिंग करते हैं, ठीक है, एमएस धोनी राउंड टू से खेलते हैं, राउंड हैंडल से खेलते हैं। तो आईपीएल फीवर शुरू हो चुका है, एकदम चरम सीमा पे आईपीएल पहुंच चुका है। सारे खिलाड़ी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, चक्कों पे चक्के, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। बट वो क्या वेपन रहता है जिससे जो एक बैट्समैन है छक्के चौके और वो स्टार बनता है, वो होता है बैट। एक बैट है जो आपको हीरो से जीरो बना सकता। तो इस बैट के पीछे क्या कहानी रहती है, वो क्रिकेटर्स कैसे सेलेक्ट करते हैं बैट, आइए जानते हैं। हम शिवाज भाई के शॉप पे आए हैं। शिवाज भाई, आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, आपने क्रिकेट भी खेला है, शायद रांची तक आपने खेला और दिल्ली को रिप्रेजेंट भी किया है, और हमारे शो में आपका बहुत हम वेलकम करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी एक बैट्समैन एक बैट लेना चाहता है तो वो क्या क्वालिटी, क्या खूबी ढूंढता है वो बैट में। ऑब्वियसली पंच तो होता ही है, पर हर प्लेयर की डिफरेंट प्रोफाइल होती है। विराट कोहली है, उसकी डिफरेंट प्रोफाइल है, सूर्य कुमार यादव की डिफरेंट है, केएल राहुल की डिफरेंट है। विराट कोहली जैसे ओवर हैंडल से बैटिंग करते हैं, तो और केएल राहुल जैसे राउंड टू से बैटिंग करते हैं, सूर्य कुमार यादव। पर एक जो हर प्लेयर को चाहिए होता है, वो स्पाइन थोड़ा मोटा चाहिए होता है, पीछे से भरा हुआ बैट। हर प्लेयर बात है लाइट वेट बैट हो और थोड़ा सा मोटा बैट हो, तो हर प्लेयर की चाहत रहती है कि मोटे बैट से खेलो, लाइट वेट बैट हो और पंच ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। जी तो बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि विराट कोहली का एक अपना स्टाइल रहता है बैट सिलेक्ट, ऑब्वियसली हर क्रिकेटर अपना कंफर्टेबल देखता है बैट पिक करने पे। बट आपने मेरी अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, आपने कहानी बताई विराट कोहली के साथ आप जाते थे बैट लेने, वो क्या था, वो क्या से वो बैट सिलेक्ट करते थे, क्या उनका आइडिया रहता था वो बैट सिलेक्ट करने के। छोटे थे तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी बैटों के बारे में, उस लेवल पे क्रिकेट में ही खेलते थे, अंडर 14-16 की बात थी जब हम लोग बैट सिलेक्ट करने जाते थे मेरठ, और बस कुछ नहीं उस टाइम तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हम बस बैट उठाते थे, बैलेंस देखते थे, फिर वहाँ ग्राउंड पे आके पता चलता था बैटिंग कितना पंच, इतना में आइडिया नहीं था। खेल खेल के आइडिया आया तो आप पता चलता है विंडो में कैसी आवाज़ होनी चाहिए, कैसा बैलेंस होना चाहिए। तो वही आप एक्सपीरियंस के साथ क्रिकेट छोड़ने के बाद बिजनेस में आए तो अब पता होता है कि हमें किस प्लेयर को कैसा बैट देना है, तो प्लेयर बताते हैं हमें कि हमें ऐसा बैट चाहिए, तो हम उसको एक बार में एक बैट दे देते हैं। तो वही है, तो विराट कोहली उस टाइम हमें अभी क्या है ओवल हैंडल से कहता, उस टाइम हमें पता नहीं था ओवल क्या होता है, जितनी बड़ी क्रिकेट खेली उसके बाद पता चला कि यार ओवल हैंडल से क्या फ़ायदा होता है, जितने भी रिस्टी प्लेयर होते हैं तो वो ओवल हैंडल यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ओवल हैंडल है यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, जब वो फ्लिक करते हैं तो बैट ना घूमता नहीं है। अब राउंड है, अब आप कंट्री पे चक्कर मारने जा रहे हैं और आपके बैट घुमाए हैं, तो जब बैट इतना आइडिया नहीं होता है, बैट यहाँ पे लगता है तो बैट घूम जाता है, तो आप देखा ना कभी बाउंड्री पे आउट हो जाते हैं। अब ओवर हैंड की अवेयरनेस आ गई है, ओवर हैंडल से क्या होता है, जब भी आप कंट्री पे मारने जाते हैं तो ये आपका लॉक हो जाता है, तो आपका बैट कहीं भी लगे बट बैट घूमता नहीं है। तो ये ओवर हैंडल के फायदे हैं, तो हर प्लेन का डिफरेंट आइडिया होता है कि वो मतलब थोड़ा कम्फर्टेबल है वो, तो ठीक है। एम एस धोनी राउंड टू से खेलते हैं, राउंड हैंडल से खेलते हैं, तीन ग्रिप से खेलते हैं। जी जी, अभी अभी जैसे रिंकू सिंह ने जो 5 छक्के मारे और युवराज सिंह के जो 6 छक्के, आपको हम ये तो इतिहास है भारत में, तो आज अभी हम बात करेंगे रिंकू सिंह जिन्होंने मतलब रातों रात उनकी किस्मत चमकी, तो वो जो बैट था क्या लगता है आपको, वो कैसा बैट था, क्या सिलेक्शन रहा होगा? फिर बताया वो नीतीश राणा का बैट ना। अच्छा, नीतीश राणा 1170 ग्राम से SSC खेलते हैं वो भी। जी बट वो तो टैलेंट है, 6 छक्के मारना हो तो उस टाइम क्या चल रहा होता है उसके दिमाग में, बैट ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए। जो उसने यहाँ से छक्का लास्ट छक्का मारा था वो इतना ईजी नहीं था, उसको वो बैट का कमान था, बट मिडल हुआ बैट, बैट अच्छा था जब भी वो बाउंड्री तक चला गया है। रिंकू सिंह भी 1170 ग्राम से खेलते हैं, आईपीएल में अगर कोई ब्रांड बैट ले रहा है अपना तो ऑब्वियसली अच्छा पंच तो होगा ही उसमें, बट रिंकू सिंह की प्रोफाइल भी थोड़ा सा फ्लैट टू, और यहाँ पे उसको भी भरा हुआ बैट चाहिए होता है, और हर प्लेयर को मैंने बताया आपको बड़ा हुआ बैट चाहिए होता है और ऑब्वियसली पंच अच्छा होना चाहिए बैट। जी बिल्कुल, तो रिंकू सिंह को भी एक भरा हुआ बैट, मतलब जिसको कहते हैं कि स्पाइन बहुत सॉलिड चाहिए, आपका विट बहुत हैवी होना चाहिए, क्योंकि मज़ा आता है वो जब स्वीट साउंड आता है बॉल का और जब छक्के पे जाए। तो देखिए मतलब यहाँ पे अगर आपको स्पाइन भी चाहिए तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में बैटिंग करने चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लैंड या बाहर के देशों में पिचेस खेलते हैं जहाँ पे आपका बाउंस ज़्यादा होता है, तो स्पाइन पीछे मांगते हैं खिलाड़ी, स्पाइन पीछे मांगते हैं। पर एक और है कि ऊपर जितना ऊपर होगा ना उतना बैट आपको अगर भारी भी है तो हल्का लगेगा। ओके ओके, वेट ऊपर आता चाहता है, पर जितना अगर यहाँ पे अगर हल्का वेट भी नीचे वेट है ना अगर बैट का, तो आपको फील थोड़ा हेवी होगा, और जितना अगर आपका वेट ऊपर आता जाता है ना तो आपको फील लाइट होगा बैट, अगर वो हैवी भी है तो आपको लाइट फील होगा अगर उसका स्पाइन ऊपर है, मतलब बल्ज ऊपर है। तो देखिए ये बहुत बड़ा इंसाइट है, अगर आप भी बैट खरीदना चाहते हैं तो स्पाइन अगर थोड़ा ऊपर रखेगा आपको हल्का बैट लगेगा, तो हल्के बैट से स्ट्रोक भी मेरे को लगता है कि आराम से निकलेंगे अगर आप हिटर हैं तो। नहीं जरूरी है, कई हिटर हैं जैसे एम एस धोनी है, भारी बैट से खेलते हैं 1230 ग्राम। ओके, वो डिफरेंट है, वो भी बॉटम एंड प्लेयर है,
बट वो हैवी वेट बैट यूज़ करते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है, जब भी वो स्टेडियम के बाहर मार देते हैं, क्योंकि वो बैट थोड़ा हैवी यूज़ करते हैं, सचिन तेंदुलकर ये सब लोग थोड़ा हैवी यूज़ करते हैं जब भी इतना दूर छक्का मारते हैं। जी तो वो जो हेलीकॉप्टर शॉट आता है आपका, तो वो बहुत हैवी बैट से आता है, जैसे कि हमारे शिवाज भाई जो हमारे आज एक्सपर्ट है, क्योंकि बहुत सारे डाउट हमारे पास रहते हैं कि हम कौन सा बैट सेलेक्ट करें, कैसा बैट सेलेक्ट करें, तो आज हमको थोड़े से इनसाइट मिले हैं। और अगर हमारे जो दर्शक आपको देख रहे होंगे, कोई बेस्ट बैट आप देना चाहें कि बताना चाहें कि ये जो है बेस्ट बैट की क्वालिटी है, इतनी ग्रेन्स होना चाहिए, ये ग्रिप होना चाहिए, वो अगर हम थोड़ा सा इनसाइट हमारे दर्शकों को देते। प्लेयर्स कभी ग्रेन्स पे नहीं जाते हैं जी, प्लेयर को चाहिए अच्छा बैलेंस और अच्छा, ये मिथ है ग्रेन्स की, जितना वैसे जितना ज़्यादा ग्रेन्स होता है उतना महंगा बैट होता है, पर अपनी अपनी चॉइस है, पर प्लेयर को कभी ग्रेन्स नहीं चाहिए होते हैं, वो मिथ पहले भी थी, ग्रेन्स चाहिए होती है। मैं कभी कभी जैसे कितना क्लोज ग्रेन्स का बैट है, उसका पंच बहुत सॉलिड है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर बैट में ग्रेन्स कम हो तो वो भी बहुत अच्छा मारते हैं। तो डिपेंड करते हैं बैट के मॉइस्चर पे, ठीक है, अब गुड ड्राई हो, कितनी भी ग्रेन्स हो, बैट में मज़ा नहीं आएगा, विलो ग्रेन चार हो पाँच हो, लेकिन क्या है मॉइस्चर बहुत अच्छा है तो आपको मज़ा आएगा बैट में, तो डिपेंड नहीं करता ग्रेन्स के। जी तो बिल्कुल शवाद भाई, आपने भी जब ग्राउंड उतरते होंगे तो आपने भी बहुत सारे छक्के मारे होंगे, आपका क्या वो स्पेशल बैट रहता होगा, आप क्या क्वालिटी ढूंढते होंगे वो बैट में कि भाई मेरे को थोड़ा सा लाइट वेट चाहिए, ऊपर वेट चाहिए, आपके बैट की क्या खासियत थी? मैं तो ऊपर वेट से खेलता था, लाइट फील होता है, काफ़ी हल्के बैट से बैटिंग करता था मैं भी, और अभी ओवल से खेलने लगे हूँ, पहले राउंड से खेलता था, अभी अवेयरनेस सही हुई थी मैंने को बताया ना, बट कुछ नहीं, बस बैट में स्ट्रोक होनी चाहिए और कुछ मैटर नहीं करता, बैलेंस अच्छा होना चाहिए और स्ट्रोक होनी चाहिए। जी तो बिल्कुल बैट में स्ट्रोक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरुआती में बात करें शिवाज भाई, शुरुआत में जब हम अब कुछ साल पीछे चले जाए कुछ, तो पहले कहते थे कि बैट पे ऑयलिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक मिथ था, क्योंकि अब जो है वो टाइम चेंज हो गया। वो मैं कहता एक्चुअली क्या, पहले आपने देखा होगा बैट बहुत पतली है और स्पीड, यस ठीक है, उस टाइम पे बैट को बहुत प्रेस करते थे, ठीक है, अभी क्या है बैट प्लेयर्स, क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि प्लेयर्स को मतलब फास्ट क्रिकेट खेलनी है तो बैट को मोटा चाहिए, ठीक है, अब प्रेसिंग इतनी नहीं होती है, पहले क्या होता है प्रेसिंग बहुत होती थी, बैट पतली होता तो उसको कई दिनों तक उसको ना लॉकिंग कर करके ऑयलिंग कर करके उसमें मॉइस्चर लाया जाता था और तब वो बैट खुलता था। आज की टाइम पे क्या है बैट इतने मोटे होते हैं, उनको ऑयल लगाओगे तो बैट टूट जाएंगे, ऑब्वियसली इतना प्रेस नहीं किया होता बैट, सबको मोटे बैट चाहिए, तो अब ऑयलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बिल्कुल अब ऑयलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इवॉल्व हो चुका है, अब हम उस तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं कि आपके जो बैट है पहले से ही नॉक्ड आते हैं, आप रेडी टू प्ले बैट्स आने लगे हैं शहबाज भाई। नहीं, नॉकिंग तो हर बैट को करनी होती है, पर जो प्लेयर्स के बैट है वो रेडी टू प्ले होते हैं, देखो तो उसको भी प्रेसिंग कम करते हैं, तो अब वो रेडी टू प्ले, क्योंकि बैट जल्दी टूटते हैं, अब देखा होगा कई बार नीचे से टूट जाते हैं, हम लोग रिपेयर भी कर रहे हैं अभी दिन के, सारे बैट काफ़ी बैट टूट रहे होंगे, बिकॉज क्या है अब प्रेसिंग कम करते हैं, फास्ट क्रिकेट हो गई है, पहली बॉल से मार रहे हैं बिल्कुल, तो अब उनके पास भी टाइम नहीं होता नॉकिंग करने का, तो बैट में भी स्ट्रोक रहती है। तो बिल्कुल जैसे शहबाज भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि बैट का जो इवोल्यूशन जो हुआ, कहाँ से वो कितने पतले बैट आते थे, जैसे हम देखते थे शहबाज भाई ब्रेन लारा का जो बैट था स्ट्रीट में, हाँ बिल्कुल, वो जब हम बैट देखते थे वो शानदार पारी जो उन्होंने इतिहास रखा था टेस्ट मैच में, वो ऐसा बैट नहीं था, वो ऐसा स्पाइन नहीं देखते थे, स्ट्रीट बैट होते थे, और आज के जो बैट हैं वो देखिए क्या मतलब इवोल्यूशन कैसा हो गया है बैट का। तो ये था हमारे साथ जो इनसाइट शहबाज भाई ने हमारे साथ शेयर की, ये मेरे को लगता है आपके लिए बहुत यूजफुल होगा जब भी आप बैट सेलेक्ट करने जाएंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, बने रहिए, हम और आपके साथ इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाएंगे बैट्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, बॉल्स को लेके, क्रिकेटर्स के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।